ऑलराइट गाइस, देख सकते हैं सुबह सुबह पानी भरा जा रहा है और चारों तरफ देगड़े और सब कुछ यहाँ पे देख लिए, पानी आ रहा है और पानी की रफ्तार आप ध्यान दीजिए, मेन नल का पानी है और जोधपुर के अंदर अभी मम्मी 2 या 3 दिन की कटौती भी चल रही है ना, और उसके बाद ये जो रफ्तार नॉर्मली ये वाली रफ्तार होती नहीं है, तेज होता है पानी, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में आप सभी का इस चैनल के ऊपर, और सुबह की चाय के साथ और सुबह के पानी की शुरुआत और साथ में शुगर फ्री शुगर फ्री चाय भी डाल लेंगे। पानी जो धीरे आ रहा है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अभी क्या है कि जोधपुर में 3 दिन की कटौती चल रही है और क्योंकि वो जो क्लोजर का टाइम है बढ़ चुका है, तो अब क्या हो रहा है कि लोगों को पानी की कमी हो रही है, ठीक है, तो इस वजह से जैसे ही जिस दिन ये पानी इतना धीरे आता है ना, तो ये इतना धीरे होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग जो पंप या मोटर्स जो होते हैं ना, वो मेन नल के अंदर लगा लेते हैं, उस वजह से जो लोग नहीं लगा रहे होते हैं, जैसे कि हम नहीं लगा रहे हैं और लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं इस वजह से, तो आप कोई भी जना अगर ये कर रहा है ना, तो आप लोग गलत कर रहे हो, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप जहाँ से मोटर लगा दोगे ना, आगे ये 3, 4, 5, 6 सब जने सफ़र करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये जो अभी धीरे आ रही है ना, ये धार जो पानी की, ये इसी वजह से हो रहा है। आप लोग ये बात मान के चलिए कि आने वाला समय जो पानी है, जिस तरह से पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया, उसी तरह से पानी का हाल हो जाना है, सोने की कीमतों के ऊपर पानी मिल रहा है, कुछ एकाध देश ऐसे हैं भी जहाँ पे कि पानी को 1 भी रुपया खर्च किए बिना आप यूज़ नहीं कर सकते हो। मैंने कुछ दिन पहले ही डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मुझे उस देश का नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग खुद भी जाके और ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हो, कि आज जोधपुर के अंदर हवा बहुत तगड़ी और बिल्कुल ठंडी वाली चल रही है। थैंक यू। क्या हमें पानी की कटौती पे क्या कहना चाहोगे आप? पानी की कटौती तो खैर अब गर्मी है तो सबको मिलना चाहिए, वो तो मेरा कोई ऐसा सवाल नहीं है या जवाब ही नहीं है कि क्यों क्यों कर दी हमको पानी, हमारे भगवान की वजह से पानी पूरा पड़ जाता है, उसी हिसाब से पानी चला लेते हैं, टंकी भर के, कभी वाल बंद कर दिया, कभी थोड़ा थोड़ा काम में ले लेते हैं, सभी को पानी मिलना चाहिए, जरूरत तो सबको है, कई जनों को तो एक एक घड़े दो दो घड़े भी मशक्कत करनी, कई लोगों के वहाँ पे इलाकों में एक ट्रैक्टर जाता है टूट पड़ते हैं उस पर तो भी पानी नहीं मिलता है, लेके बेचारे जाते हैं, तो हमारे तो भगवान की दया से बहुत पानी है, और सबसे बड़ी बात है कि हम वो टंकी के ऊपर से नल लगा के वो वाला पानी पीते नहीं है, तो हम अपना फिल्टर अंदर रखा है तो उसमें डालते हैं, इसलिए पानी भर के पीते हैं, जो हमको लगता है अरे टंकी में पड़ा हुआ पानी आता है, थोड़ा अलग पुराना हिसाब है, नदी सा वगैरह है, तो इस हिसाब से हम भर लेते हैं पानी। थोड़े दिन पहले तो न्यूज़ आई थी कायलाना के वहाँ पे, और जो फिल्टर प्लांट है वहाँ पे पुलिस वाले तैनात हैं, और उसके अलावा फोटोज़ भी आई थी बाकायदा, और उसके अलावा ये जितने भी लोग जाके और कायलाना में और जो कचरा फेंकते हैं ना, और कुछ भी अनशेंड वहाँ पे फेंकते ना, तुम लोग फेंकना बंद कर दो, क्योंकि वही लोग वही पानी तुम भी पीते हो और पूरा शहर भी पीते हैं, तो गंदगी मत फैलाओ। कहीं भी नहीं फैलानी चाहिए, कोई नहर है, कोई तालाब, जैसे अपने इंडिया नहर आई, रास्ते में जगह जगह लोग कुछ करते थे, कपड़े पर कुछ कचरा फेंक देंगे, कपड़े धो रहे हैं, वो पीने का पानी आ रहा है, और सबसे बड़ी बात कोई तालाब है वहाँ पे जाके कचरे फेंक रहे हैं, क्या मतलब, वहाँ सफाई नहीं होती है, कहीं भी वैसे तो गंगा यमुना जो भी हमारी नदियाँ हैं वहाँ से पेयजल प्राप्ति होती है सभी को, पूरे देश को, बहुत सारी नदियाँ, किसी को भी गंदा मत रखो, उसको स्वच्छ रखो और अपने देश को भी स्वच्छ रखो। हमें क्या परेशानी हो रही है, हो गया पानी, मम्मी बाहर पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी, लोगों ने मोटर लगा लगा के प्रेशर इतना धीमा कर दिया कि मम्मी इधर उधर इंतजाम कर रही है अब, कि कुछ पौधे बच रहे हैं उनको कैसे भी करके पानी मिल जाए, लोगों तुम मोटर लगाना बंद कर दो। तो भाई फिलहाल आ चुके हैं जिम के अंदर और अब थोड़ी ही देर में वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं, और एक चीज़ और है कि खास करके भारत के अंदर काफ़ी लोग अपने यहाँ पे, जैसे कि एक होता है ना कि कल्चर स्टार्ट होता है, एक फैशन स्टेटमेंट होता है कि जिम की मेंबरशिप आपके पास होनी ही होनी चाहिए, तो उसी तरह से काफ़ी लोगों के पास में जिम की मेंबरशिप है, लेकिन वो लोग जिम में नहीं होते हैं, मतलब साल साल भर की, 6-6 महीने की, 3 महीने की, या जैसे भी मंथली बेसिस पे जैसे भी आप लोग जाते हैं, काफ़ी लोग मेंबरशिप ले तो लेते हैं लेकिन वो जिम में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब देख लीजिए, मेरी लाइफ के अंदर एक फिटनेस का बहुत बड़ा पार्ट रहा है और बहुत बड़ा हाथ भी रहा है, जब लोगों ने मेरे को जानना शुरू किया था वो यूट्यूब चैनल से या इस चीज़ से नहीं, बहुत सालों पहले फिटनेस से रिलेटेड, या जब मैंने मिस्टर जोधपुर कंपटीशन जीता था उस वजह से मेरे को जानते हैं। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो फिटनेस है थ्रू आउट इतने सालों से मेंटेन करके रखना, ये सिर्फ जिम मेंबरशिप लेने से नहीं हो जाता है, आपको अगर अपने अंदर बदलाव चाहिए ना,
तो आदत डालनी पड़ेगी, एक लाइफस्टाइल के अंदर फिटनेस को डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही होगा कि कोई मूवी आएगी, किसी से इंस्पायर हो जाओगे, चार बातें मेरी सुन लोगे या किसी और की सुन लोगे, जिम ज्वाइन कर लोगे, जैसे ही उन बातों का नशा उतरेगा तुम जिम आना बंद कर दोगे, या फिर हाँ कोई मूवी रिलीज होती है किसी हीरो की बॉडी देख लोगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन थी, हम भी जाके करेंगे, तो वो आसान नहीं होता है, देखने में मज़ा तो बहुत आ रहा है, तो वो नशा सिर्फ एक या दो दिन ही रहता है। इसलिए जब तक इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर नहीं उतारोगे ना, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होने वाला है। और भाई अपने यहाँ पे लोगों के पास हर चीज़ के बहाने तो तैयार होते ही हैं, कोई कहता है कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता, मेरे ऊपर ये होता है वो होता है, मैं वहाँ चला जाता हूँ वहाँ आ जाता हूँ, तो तुम्हारे पास फालतू चीज़ें करने के लिए बहुत टाइम होता है। मैं देखता हूँ कई लोगों को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब जगहों पर एक्टिव रहते हैं, एक दो दो घंटा वहाँ पर निकाल देते हैं, तो अपनी लाइफ में से एक घंटा या आधा घंटा निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। और प्लीज़ ये फालतू के बहाने मुझे तो बताना है मत, मैं कई साल बहुत हैवी वर्क लोड के अंदर, हैवी वर्क प्रेशर के अंदर रह के भी रात को 11-11 बजे भी जाके और मैंने खुद की मील प्रिपेयर करके खाई है। तो ये बहाने उन लोगों को देना या फिर ये एक्सक्यूज़ उन लोगों को देना जिन्होंने अभी तक जिम की शक्ल देखी ही नहीं। अब फटाफट से वर्कआउट शुरू करते हैं, अब सीधा घर पे ही मिलूंगा क्योंकि मैं ट्राईपॉड गिम्बल कुछ भी लेके नहीं आया हूँ और मैं इधर उधर सेट करता हुआ नजर आऊंगा उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता, तो मिलते हैं बाद में। तो भाई रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं पापा को छोड़ने आया था, पापा किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे राधिका का शिकंजी वाला, मैं कह रहा हूँ कि यार रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आया तो राधिका के शिकंजी कॉर्नर मिल गया अपन को यहाँ पे है। देखो भाई तिरंगा लहरा रहा है अपना, सामने तीनों लाइट ऑन है, अब समझ में नहीं आ रहा कि रुकूं चारों तरफ देखूं या फिर जाऊं, सब कुछ ऑन है। भाई ये प्याज वाले जो खड़े रहते हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे लेके, ये देते तो बहुत सस्ता है लेकिन क्या है कि छाटने नहीं देते हैं, भर भर के डाल देते हैं, तो क्या उसमें गले सड़े भी आ जाते हैं। एज यूजुअल कहना ही पड़ेगा कि गर्मी बहुत है बाहर, इतनी लगी नहीं क्योंकि अपन गाड़ी में गए थे, बाइक पे नहीं गए थे, लेकिन हाँ मैंने एक चीज़ नोट करी है, कई बार क्या होता है ना कई लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जल्दी होती है, और इस मामले में कुछ छपरी लोगों का तो कहना ही क्या, उनको पता नहीं क्यों इतनी जल्दी से साइड चाहिए होती जब साइड होती नहीं है कई बार। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा संयम रखता हूँ लेकिन क्या होता है ना कि जब किसी को कोई खुद से कहता है ना कि भाई मुझे डोज चाहिए डोज चाहिए, तो फिर अगले को चाहिए भाई, तो फिर क्या कर सकते हैं। और मैं जितने भी जोधपुर वासी इस वीडियो को अभी इस समय देख रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा प्लीज़ कायलाना के अंदर या बाहर किसी भी तरीके का पानी के स्रोत के अंदर किसी भी प्रकार का कचरा वगैरह न डालें, गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जो जाके वहाँ पर कचरा फेंक रहे हैं वहीं से पानी फिल्टर होकर अपने पास में आप जो फेंक रहा है उसके भी घर के अंदर जा रहा है, और ये अच्छी बात भी नहीं होती क्योंकि वो कचरा पाइलअप होते हुए इकट्ठा होते होते इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी सफाई करने के टाइम में मलबा जो निकलता है ना, आप कभी खुद जाके देखिएगा तो मतलब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, और कचरे के अंदर देखिए आप पता नहीं क्या क्या नहीं होता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। मेरा काम तो देखिए कहना था, आगे आपकी खुद की समझदारी काम आएगी, तो प्लीज़ ये काम ना करिया करिए। और रही बात इस व्लॉग की, इस व्लॉग के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं, और जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, है ना, तब तक के लिए बाय।